एगो बात बताएं भाई, अभी थोड़ा देर पहले ही हम देखे हैं विक्रम वेदा का ट्रेलर। और सच बताते हैं, ये ट्रेलर को देखने के बाद दिल में बस एक ही बात आया कि भाई इस फिल्म में खाली एक ही गो गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी ये है कि ये फिल्म अपने साथ में रीमेक का टैग लगाकर सिनेमा घर में आ रही है। नहीं तो भाई ये ट्रेलर आउट ऑफ द बॉक्स है, तहलका है तहलका। अगर बिहार के लैंग्वेज में कहे ना तो गर्दा ट्रेलर है भाई, गर्दा, यानी कि सब धुआं धुआं हो जाने वाला है। तो भाई कैसा है विक्रम वेदा का ये ट्रेलर? क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि जिसके लिए मुझे आप लोगों से करनी चाहिए बात? चलिए हम आपको समझाते हैं इस छोटा सा रिएक्शन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, डरते डरते सहमते सहमते फाइनली भैया विक्रम वेदा की टीम ने विक्रम वेदा का ट्रेलर जारी कर दिया है, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया आप चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तो इस फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस को गर्दा गर्दा कर देंगे। मेरे भाई क्या ट्रेलर है बॉस, क्या ट्रेलर है। यानी कि भैया ये ट्रेलर इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल, इतना शानदार, इतना बेहतरीन है कि इसको देखने के बाद दिल से खुद ब खुद आवाज़ निकल रही है इस फिल्म को लेकर कि भाई इस फिल्म के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इस वक्त भैया बॉलीवुड की उन फिल्मों के लिए एक ऐसा माहौल बन गया है जो कि भैया रीमेक कंटेंट के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। और भाई वो माहौल क्या है, रीमेक है तो फ्लॉप है, रीमेक है तो देखने नहीं जाएंगे। ये बात इंडियन ऑडियंस अब बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को कहती नजर आ रही है। और भाई इस बार तो ये फिल्म बॉलीवुड के मेकरों ने नहीं बनाया बल्कि उन्हीं मेकरों ने बनाया है जो कि भैया इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को ऑलरेडी भैया साउथ के लैंग्वेज में ला ही चुके थे, और उसके बाद भैया अपने ही फिल्म के साउथ के लैंग्वेज वाले वर्जन को भैया डब वर्जन के माध्यम से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर चुके हैं। और उसके बाद भाई वो लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए, जब भैया बॉलीवुड की बड़ी बड़ी रीमेक फिल्में सिनेमाघरों में पिट रही थी तो भैया वो इस फिल्म को सिनेमाघर में लेकर आ रहे हैं भैया रीमेक वर्जन के माध्यम से। यानी कि भैया फिल्म का मेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। यानी कि भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कह सकता हूँ कि भैया फिल्म के ट्रीटमेंट में बहुत सारा बदलाव किया गया है, सीक्वेंस में बहुत सारा बदलाव किया गया है, और मुझे लगता है कि भैया इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बहुत हद तक चेंज किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई जो कहानी हमें ट्रेलर में देखने को मिल रही है, क्या वो कहानी उस फिल्म से मिलती जुलती नजर आ रही है? यानी कि भैया जब हम लोगों ने विक्रम वेदा को देखा था तो उसमें बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे नजर आए थे जो कि भैया इस फिल्म से सिमिलर नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि भैया कुछ नए ट्रीटमेंट के माध्यम से आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों नो डाउट ट्रेलर बहुत ही पावरफुल है, और भाई इस पावरफुल ट्रेलर में भैया एक तरफ बॉलीवुड के छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन भी अपना पावरफुल एक्टिंग दिखाते नजर आ रहे हैं। तो भाई वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है और भाई फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन भाई इस फिल्म के साथ में जो बुरी बात है ना, वो ये है कि भैया ये फिल्म जो है ना अपने साथ में रीमेक का टैग लेकर आ रहा है। अगर ये रीमेक का टैग इस फिल्म के साथ नहीं होता तो भैया हमारे बिहारी हीरो जो है ना, हमारे ऋतिक रोशन, वो गर्दा गर्दा कर देते मेरे भाई। लेकिन कोई बात नहीं, उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए तो भैया ऑडियंस सिनेमाघरों में ज़रूर जाएगी, क्योंकि भैया उन्होंने जो काम कर दिखाया इस फिल्म में उसको देखने के बाद तो भैया ऋतिक रोशन के दीवाने जो हैं वो ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भैया ऋतिक है तो फिल्म सुपर से ऊपर है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।